अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। सबसे पहला क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव का, वो क्या है कि कोसाइक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है आपने। ठीक है, अभी आपके पास एक फार्मूला है सिंपल। ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कोसाइक इनवर्स जो होता है उसका डेरीवेटिव होता है -1 एक्स एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक्स मिस किया हुआ है तभी मैंने लिख दिया था एक्स यहाँ पर। तो ये कोसाइक इनवर्स एक्स का पूरा डेरिवेटिव होता है -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड एम सी क्यूज है उसमें आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है इस इम्प्लिसिट फंक्शन को, मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन को हमने 4.3 में सॉल्व किया हुआ था, वो बड़ा वाला तरीका था। यहाँ पर एक इम्प्लिसिट फंक्शन की शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। समझने में शुरू में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों को ईजी लगेगा। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन, अच्छा इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है जिसमें एक्स और वाई ये मिक्स लिखे हुए होते हैं। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इसमें देखो राइट हैंड साइड पे पूरा एक्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे वाई होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट वो जिसमें सब मिक्स होकर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये होता है, शॉर्टकट ये है कि आप माइनस, ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अभी विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने अभी तक नहीं किया हुआ, करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसमें आपने वाई को है इसको कांस्टेंट ट्रीट करना है। कांस्टेंट ट्रीट करने का मतलब वाकई ट्रीट करना है। जैसे कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। कांस्टेंट अगर एज अ कोफिशिएंट आया हुआ है तो उसको हम साइड पे कर देते हैं। तो वाई के साथ आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। और जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपने क्या करना है, एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, किस तरह करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स क्यूब एक्स वाई प्लस 2x+1। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको जो पूरा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। ठीक है, ये इक्वल टू ज़ीरो, राइट हैंड साइड पे इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा आपका फंक्शन होना चाहिए। अब आपने करना ये है, सबसे पहले आप लिखो डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूले का आ जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं ना, उस तरह नहीं करना, आपने वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट का देख लो, आमतौर पर स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे सिंपल आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2x+2 और मैं बोलूँ इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो किस तरह डेरिवेटिव निकालोगे, इस वाले टर्म के में आप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट 2 है ना, ये एज अ कोफिशिएंट आया हुआ है। तो अब आप इसको डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, आप इसको साइड पे कर दोगे और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया हुआ है ये एज अ कोफिशिएंट नहीं, एज अ कांस्टेंट ही है। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ में स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि है दोनों जगह कांस्टेंट, लेकिन एक जगह हमने साइड पे कर दिया, एक जगह 0 कर दिया। तो ये रीज़न है कि अगर कांस्टेंट कांस्टेंट बनकर आए तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट एज अ कोफिशिएंट बनकर आएगा तो फिर उसको हम साइड पे कर देंगे और जो वेरिएबल है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को जहन में रखना, जो आप 2 के साथ कर रहे थे ना, सेम बिल्कुल वाई के साथ आपने ये करना है, क्योंकि वाई आपका कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है 3x² होता है, नई चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे वाई क्या है, अब ये आपका कांस्टेंट है, ये एज अ कोफिशिएंट बन गया है, मैंने इसको कर दिया साइड पे। ठीक है, माइनस वाई को साइड पे कर दिया, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2, और -1 का डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर में आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो पहले टर्म में एक्स पूरा कांस्टेंट है, और देखो पूरी टर्म बनकर आया हुआ है, ये कोफिशिएंट नहीं है, पूरी एक टर्म बनी हुई है और है ये कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वाली टर्म में देखो एक्स कांस्टेंट है, एज अ कोफिशिएंट आया है, मैंने इसको साइड पे कर दिया। ठीक है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अब अगेन देखो ये पूरी चीज़ क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट अकेला आया हुआ है, एज अ कांस्टेंट आया, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और 1 का डेरिवेटिव भी 0। तो ये तरीका होता है शॉर्टकट, ये दिखने में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप सीख लोगे तो फिर आपको मसला नहीं होगा। अगर ये किसी को मुश्किल लगता है तो जो 4.3 में हमने किया हुआ था कि इंडिविजुअली हर टर्म को आप डिफरेंशिएट करो और उसके बाद एंड पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, आप लोग वो भी कर सकते हो। ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, जो ईजी लगता है वो आप लोग कर लो। ये माइनस अपनी जगह पर सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ये -2 और नीचे आपके पास ये -x बच गया, ये माइनस इसे कैंसिल कर दो, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3x² -y -2 / x। तो अगर आप गौर से देखो तो ऑप्शन नंबर ये वाला है।
जिसमें माइनस टू आ रहा है, माइनस वाई आ रहा है और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की। थ्री पे आ जाओ, थ्री पे आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है ये, पी से आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इन्होंने पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल है। ये भी चैप्टर नंबर वन का एक एमसीक्यूज था कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि जितनी अलजब्रिक उसके अंदर टर्म्स आ रही हैं उनकी पावर आपके पास कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब ज़ीरो भी शामिल है और वन टू थ्री ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो नेगेटिव इंटीजर आया हुआ है माइनस फोर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बेसिक आपके पास एक एक्सप्रेशन है आप बोल दो, ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, लिखा हुआ है इफ़ पी ऑफ एक्स ये पूरा है देन पी प्राइम ऑफ एक्स, आपको पता है पी प्राइम का मतलब डेरिवेटिव होता है। डिफरेंशिएट करना काफ़ी ईजी है अलजेब्रिक फंक्शन को, पावर लगा दो सब टर्म पे, फाइव को जब नीचे लेके आओगे तो टू से मल्टीप्लाई करके टेन हो जाएगा। बेसिकली पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है जब आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स की पावर एन तो पावर आप पहले ले आओ उसके बाद पावर में से वन लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ भी अब ये करो, पावर को पहले ले आओ, टू से मल्टीप्लाई होकर टेन हो जाएगा और फाइव में से एक लेस करो तो फोर हो जाएगा। फिर थ्री को नीचे ले आओ ये हो जाएगा माइनस नाइन, थ्री में से एक लेस करो एक्स स्क्वायर, फिर पावर क्या माइनस फोर, माइनस फोर नीचे ले आओ, ठीक है। अब देखो माइनस फोर में से जब वन लेस करोगे तो ये माइनस फाइव होगा, जल्दी में माइनस थ्री नहीं कर देना इसको। इसी तरह माइनस सेवन नीचे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस सेवन में वन लेस करो तो माइनस एट हो जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन गिवन था और इसका डेरिवेटिव ये पूरा आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, बहुत ईजी सा है, इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन क्या है, टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ठीक है। और सवाल में बोला हुआ क्या है कि इस फंक्शन को आपने मतलब एफ प्राइम मतलब डिफरेंशिएट करना है, किस तरह करोगे, पावर पहले आ जाएगी सिक्स, पावर में से वन लेस कर दो, टू पहले आ गया माइनस एट, पावर में से वन लेस करो, वन पावर बचेगी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ थ्री हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन जिनको मुश्किल लगती है मैंने डिटेल से अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप लोग वहाँ जाके कॉन्सेप्ट देख सकते हो उसके। अब एमसीक्यूज में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस तरह आपने डिफरेंशिएट करना है या जो भी है। तो जो ऑप्शन नंबर इसमें सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थ्री ए करेक्ट होगा। फाइव में आ जाओ, फाइव में आपको एक्स गिवन है एटी स्क्वायर और y बराबर है 280 और आपको dy वाई बाई डी एक्स फंक्शन सॉरी dy वाई बाई डी एक्स निकालना है। अच्छा, ये आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं क्योंकि इसमें x और y किसी एक तीसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इन जैसे फंक्शन को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। और निकालने का तरीका ये होता है dy वाई बाई डी मतलब dy वाई बाई डी एक्स आप किस तरह निकालोगे, dy वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, मतलब एक दफ़ा y को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t और फिर डिवाइडेड बाय x को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy वाई बाई डी टी किस तरह निकालोगे आप, y को विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो 2a तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1, ठीक है, तो बेसिकली 2a के बराबर आ जाएगा। फिर आपके पास है dx ओवर dt, ये x है विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, a तो कांस्टेंट है उसको मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, ठीक है, तो मिला के क्या हो गया 2at। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, dy बाई डी टी क्या है 2a के बराबर और dx बाई डी टी क्या है 2at के बराबर है, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और आंसर में आपके पास 1 ओवर t आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर b जो है वो करेक्ट होगा। यार फॉर नो रीज़न मुझे नहीं पता कि मेरी वॉइस ख़राब हो गई थी, मतलब म्यूट ही हो गई थी, आ ही नहीं रही थी वॉइस, तो मुझे अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। खैर जो भी है, आपको सिक्स में एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब वाई इक्वल टू वन, आपको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बना लो, मतलब एक्स की टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, वाई को एक जगह रख दो, ठीक है, फिर एक्स क्यूब को ऊपर ले आओ तो एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं बताऊँगा। डिफरेंशिएट करने का तरीका बहुत ईजी है, पावर रूल लगाओ आप, ठीक है, माइनस थ्री पहले आ जाएगा और माइनस थ्री से जब आप वन लेस करोगे तो माइनस फोर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, फिर एक्स की पावर माइनस फोर जो है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करो एट पॉइंट वन कॉमा वन, ठीक है, तो आप नीचे लिखो वन कॉमा वन, एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू भी क्या है वन है,
अब डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ x ही है, ठीक है, तो आप x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो जब आप 1 की पावर 4 लोगे तो आंसर 1 ही होगा और डेरिवेटिव का आंसर आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन उसके बाद मैंने बोला हुआ है पी प्राइम ऑफ एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब सिंपल एक पॉलिनॉमियल गिवन है आपको और वो बोल रहे हैं कि पी प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा इसका। तो अगेन ये सिंपल सा आपके पास एक गिवन है एक्सप्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत इजी सवाल होता है। 3 को पहले ले आओ, 15 से मल्टीप्लाई करके -45, 1 लेस करो स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 1 लेस करो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 10x का रिलेटिव 10, 5 का 0 हो जाएगा। तो -45x² + 6x + 10, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर जो आपके पास है 8 में आपको क्या गिवन है, 8 में एक फंक्शन है y = √2x + 1/√2, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी, दिखने में आपको लग रहा है बड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कुछ भी नहीं है। रूट टू जो है कॉन्स्टेंट है, एज अ कोविशेंट आया है, साइड पे कर दो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, ये पूरी चीज़ कॉन्स्टेंट है यहाँ पे और एज अ कॉन्स्टेंट ही आई है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल √2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद आपके पास, अच्छा इन्होंने फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है बेसिकली वही सेम चीज़ है जो आप बेसिकली निकाल, मतलब जो पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है ना जो गिवन है उसी तरह आपने करना है, लेकिन यहाँ फैक्टर्स में गिवन है तो पहले आप सॉल्व कर लो, आसानी रहेगी आपके लिए। किसी भी दो ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर लो, इन दो को करो तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगी, ठीक। उसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा x³, फिर 4x², अच्छा इनको मैंने डायरेक्ट कर लिया था, ठीक है, तो ये बड़ा है तो इसलिए डायरेक्ट नहीं होगा, मुश्किल होगा, ये हो जाएगा x³, 4x², फिर आप उसको मल्टीप्लाई करो 5x², 20x + 6x + 24, ठीक। सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा x³, ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 26x और ये हो जाएगा 24। अब ये आपके पास एक आ गया y, आपको बेसिकली dy/dx मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये हो जाएगा 3x² पावर लगा दो, 29 से मल्टीप्लाई होगा 18x, 26x का डायरेटिव 26x ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा। 10 में आपके पास एक बहुत ही ईजी फंक्शन गिवन है, अभी तक आपके कोई मुश्किल सवाल नहीं आया इसमें, और वो क्या गिवन है, x² 2x, मतलब x^5 ये गिवन है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब पहला डिफ्रेंशिएट करने का तरीका तो ये है कि आप इसको a + b² का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अगर सवाल में देखो तो आप, इन्होंने एक्सपेंड करके नहीं किया हुआ, इन्होंने सिंपल किया हुआ, वो सिंपल किया पावर रूल लगा दो। अच्छा ये पावर रूल बेसिकली चेन रूल से आया था, चेन रूल मैंने अपने वीडियो में कभी बताया नहीं है, लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई थी आप लोगों को कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है चेन रूल का। मैंने बताया था अगर डब्बे में कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है और उसकी पावर एन कोई भी कॉन्स्टेंट गिवन है, तो इसका इस पर भी पावर रूल किस तरह लगाओगे कि आप सबसे पहले जो बेसिक पावर रूल है वो तो वैसे लगेगा, उसके बाद एंड पे आप क्या करो, जो भी आपके पास बेस है ना जो अलजेब्रिक फंक्शन गिवन था उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, ये एक्सटेंडेड वर्जन कह लो आप पावर रूल का, तो ये लगा दो, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स होता ना, देखो सिंपल, अगर आपके पास x² लिखा हुआ है तो उस पर ये वाला पावर रूल लगता है, लेकिन सिर्फ इतना लगेगा, क्यों, क्योंकि अगले पे बॉक्स यहाँ पे क्या है, x है ना, तो x का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो x वाले केस में हम सिर्फ इतना फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन x के अलावा कुछ और आए तो फिर फॉर्मूला ये पूरा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तो लगा दो आप सबसे पहले, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 लेस करो, 2 - 1 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर जो बेस है उसका डायरेटिव लो, x^5 का डायरेटिव क्या होगा, 5 पहले आ जाएगा, 5 में से 1 लेस तो 4 और 2x का डायरेटिव 2, तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है। अच्छा एक और चीज़ भी है इसके अंदर, यहाँ ऑप्शन उन्होंने बोथ बी एंड सी भी लिखा हुआ है, तो जब इस तरह लिखा हो ना तो आप कोशिश करो चेक कर लिया करो कि वाकई इन्होंने मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है या नहीं, बी तो आपको पास चल गया आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ये देखो हमारा आंसर जो आया है ये बी ऑप्शन है, ठीक है, तो लेकिन इन्होंने बोथ बी एंड सी भी लिखा हुआ है, तो आप लोग चेक कर लो कि सी भी ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि जब ये लिखा हुआ आता है तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ये वाली बात सही है, ठीक है। चेक किस तरह करोगे, देखो सी ये वाला ऑप्शन है, ए की ब्रैकेट लिखी है, तो आप कोशिश करो इसको एक ब्रैकेट बनाओ, मतलब मल्टीप्लाई करो
एक्स फाइव को एक्स फोर से करो, मतलब फाइव एक्स फोर से, तो फाइव अपनी जगह पे आएगा, एक्स फाइव मल्टीप्लाई एक्स फोर एक्स नाइन हो जाएगा, बेसिस सेम होती हैं, पावर एड होते हैं। फिर एक्स फाइव को उससे करो टू से तो ये हो जाएगा, फिर टेन एक्स फाइव हो जाएगा और फिर फोर एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा फाइव एक्स नाइन प्लस ट्वेल्व एक्स फाइव प्लस फोर एक्स। ठीक है, तो ये देखो एग्जैक्ट ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, फाइव एक्स नाइन प्लस ट्वेल्व एक्स फाइव प्लस फोर एक्स। ठीक है, तो इधर आपका ये भी सही है ऑप्शन और ये भी ऑप्शन सही है, इसका मतलब है बोथ बी एंड सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा।